लो महाराज ले जाओ मेरे बेटा के ऊपर एक बात को ध्यान रखियो, कहीं जिस समय बेटा के शीश से काट के देवी का चढ़ा उस समय तुम दिल में कच्ची ले आओ और तुम्हारे हाथ से तलवार ना चले बेटा को जिंदा ले आए तो मैं मर जाऊंगी। और के जाओ ले जाओ बेटा को, यारी को पढ़ने वादो मेरे सज्जनों। आज राजा मनसुख बेटा को लेकर के चलते रहता है रूपचंद को, लेकिन दरवाजे में जो घोड़ा बंधा हुआ तो देवतान को वरदान हो राजा नल के सिवाय कोई ना चढ़ाओ, मनसुख के लेके आओ खरे रिपीट पर भी एक दो है के कैसे ले जाएगा घोड़ा ना ले जाए तो दुसाले में लपेट के बगल में मंजोरी से लगा ले पहुंच को घोड़ा के पास में ले भैया वाई देश में पहुंचा दे बंगाले में। घोड़ा बोलो बगल में का आई पीरो पीरो वन की तू ना जाने ही बात है। क्यों मनसुख ने सोची की जाए बात बता दी तो न्यू कहेगो कि सुसर ये ऊंट की गाड़ी हूँ। मनसुख बोलो भैया देख हमारे बेटा ने हरण है गया। बोलो हाँ तो सब दई देवता मना लिए काई दई देवता पे पार नहीं पड़ी, अब मैं भूमिया बाबा ले चल रहा हूँ लपेट के। घोड़ा बोलो भैया भूमिया बाबा हमने उन्हें देखो ले आज भूमिया बाबा है तो दिखाई दे। लेकिन मेरे दोस्तों मनसुख को बात बतानी पड़ी और आज अपने बेटा को लेकर के घोड़ा पे चढ़ करके बंगाल देश के लिए चलता है मनसुख। कैसे कैसे क्या हुआ बताइयो ऐसे चलो घोड़ो कैसे गयो कत्ता दया बढ़ा दियो घोड़ा रे आसमान में गयो मड़ रहा है। घोड़ा जो आसमान में गयो मन आए घोड़ा पे बैठो नर वरवारो दिल में दहे सत्व है हतनाए। कभी घोड़ा ले आसमान में कभी धरती पे है आ जाए कभी तक जाह रही घोड़ा भरत सरा हार जाए पंखो करत है घोड़ा सुनो कान लगाए घोड़ा उड़ गया आसमान में हो रे घोड़ा उड़ गयो आसमान में पंचो सुनियो ले ध्यान लगाए कर तो जाए रहो भैया भरत सरा हार जाए ऊपर बैठो यह गुजर को पंचो सुनियो ध्यान लगाए गोदी में बेटा ले लियो बंगाले पूरे हो जो जाए ईश्वर तेरी परम माया सबको चरित्र दिखा रहा किसी के चल रही मोटर गाड़ी किसी का लड्डा टूट रहा कोई तो खावे हलवा पूरी कोई भूखाई लेट रहा। सतयुग में एक कन्या जन्मी नाम धरो जग भानुमति। अच्छा सतयुग में तो कुआरी रह गई कलयुग में जग सोलह पति सोलह मर गए सोलह जिंदे सोलन के संग भैया सती तो भी कन्या कुआरी रह गई आव झूठना ही एक रती। चल फिर राजी एक गांव में आग लगी और चूल्हे ने दहशत खाई वहां ठाड़ी एक छोटी सी छोरी देखो बिचारी घबराई हवा संग उड़ गई वो लड़की तीन लोक में घूम आई उस लड़की का बना खटोला नौ से रू चौदह बाई उस लड़की का बना घाघरा कली कली पे चौपाई या कोई अर्थ लगा दे मेरे भैया वो छोरी किस को ब्याही। अब बिना तेल और बिना बाती के दिया चले जल के अंदर शास्त्र में बबर गया पूरे और का कोई कमती हूँ। अरे बोल 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 अब बिना तेल और बिना बाती के दिया चले जल के अंदर और उसी दिना नरो पैदा है गयो उसी दिना उग्याई पर उसी दिना के अंदर अंदर बन गए हाथ हवेली घर उसी दिना के अंदर अंदर नाती की लई शादी कर धो पर पहले जन्म लिया और धो पर पीछे गया गुजर इन बातन को अर्थ लगाए दे जब जानू तो ए चातुर नर। अच्छा झर पर रन पाएगा बिल्कुल तो सुन सुना पाप को बेटा यार तुम गुण इन बातों को समझो नर ऐसो पेड़ कहा दुनिया में नीचे डुगली ऊपर जर कितनी लंबी शाखा उसकी कितना मोटा स्तंभर कोनो रंग के पात वृक्ष में फूल सुंग के है जाए तर खट्टे मीठे फल लागत है मीठो खाए तो होए अमर
जो कोई पंछी भलकू खा जाए उसका जग से न्यारा घर। इन बातों का अर्थ देखिए दोस्तों, एक अधर छंद पेश कर रहे हैं, बताइयो। अधर, अधर उसको कहते हैं जिसमें पै फै बै भै में बड़ा वो नहीं आता है, होठ से होठ नहीं लगते हैं। एक अधर पेश कर रहे हैं, कठिन करारी कन्हैया कारज करेंगे आके, कटेंगे कंकट कलेश तन के काशी के अंदर कर झांकी जाके। इसको कहते हैं अगर, अच्छा दो लाइन की लगर बोल रहे हैं हम, लगर जिसमें हर शब्द पे होठ लगेगा, बताइयो। पत के पाम पलोटत पाई पार्वती मोए पर्वत पे, पुष्पन के पोहार चढ़ाए प्यारी ने प्यारे पत पे। उड़ा उड़गा गुजर के को अमर पंखो दैया फैला है, गग 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 भी तत जाय रही भैया सुरियोले कहन लगाए, घंटा डेढ़ लगन नाय दियो पहुंचे शिव मंदिर पे। जाए पहुंच गए देवी के मंदिर पे बंगाले। अच्छा घोड़ा से बोलो मन सुग्रे भैया एक काम कर, तू फौज में चले हो जा, नल भैया को यह बात मत बता दीजो। हाँ। घोड़ा फौज में चले गो देवनवारो वीर वरन, अपने रूपचंद छह महीना के बेटा को लेकर के आज मनसुख गुजर माँ भवानी काली के मंदिर में पहुंच जाता है, और क्या काम करने लगा, क्या करने लगा बता। जल भर के लायो, अच्छा कुमार नहवायो फूलन की माला नार में डारी, देखिए तुलसी की कंठी दोलर जाई दिन ते पहरी जाए लोगो। अच्छा दोलर माला फूलन की बनाए के छोरा के गले में पहरा दी, एकदम से तलवार नहीं पड़ेगी क्योंकि माया मोह का ऐसा ही फंदा होता है। और बैठ गयो, क्या हुआ, माँ भवानी की स्तुति कर रहा है, कैसे ऐसे बताइयो। मेरे शीश पे मैया तेरो हाथ, हाथ री मैया हेरी, मेरे शीश पे मैया तेरा हाथ रे, काली मैया तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे शीश पे मैया तेरो हाथ रहे, काली मैया तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे शीश पे मैया तेरा हाथ रहे, काली मैया तू हमेशा मेरे साथ रहे। बेटा स्नान करके मैया के भवन में पटक दियो, वीर आसन से बैठ गया घोंटू टेक करके बेटा की बलि देने के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों हुआ क्या है, क्या हुआ, नाए मिटत करव की रे रहो सुते देखो बह द्रग पानी। अच्छा हुआ कर बेटा की याद रे रोए रही कसमीरा, कोवर कहा मेरो गयो उजारो भयो बहे दग पानी, एकलौता मेरे लाल रे जाके मिट गई नाम निशानी, एकलौता मेरो लाल रे जाके मिट गई नाम निशानी, एकलौता मेरो लाल रे जाके मिट गई नाम निशानी। ले राजा बैठो आसन मारे और सुत मोहे में यार देख कि ना आवे तरवार, और क्या मेरे इकलो बेटा भयो आज ना गर्दन काटूंगो, ये मेरे इकलो बेटा भयो आज ना गर्दन काटूंगो, मेरे गर्दन काटूंगो रे आज कैसे नारे उतारूंगो भैया, मेरे मेरे इकलो ही छोना भयो शीश आसन पे। आज मनसुख मोह माया में कभी लोगों ने कहा है कैसे कि कुछ सफर का भी सामान कर ले सजन, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, होंगे साजन कहां और सजनी कहां, क्या पता जाने दोनों किधर जाएंगे। मोह की बेड़ियां पड़ी पांव में, कोई किसी का नहीं है सजन गांव में, माला स्वासों की टूटेगी जिस क्षण तेरी देखते रहे ये मोती बिखर जाएंगे।
आज पुत्र के मोह में तलवार ऊपर से नीचे को नहीं आती है, ढाई घंटा खत्म हो गया। मेरा दोस्त ढोला कोई नई चीज नहीं है, नल पुराण कोई ऐसा इतिहास नहीं है जिसको कोई न जानता हो, किसी ने सुना ना हो। बहुत से गायक गाते अपने अपने, कहने की अपने अपनी लाइन अलग अलग होती है। पहली रानी राजा नल की गजमोतनी इंद्र की अप्सरा से थी, ठीक बात। दुमयंती को ब्याहने के लिए गया, छज्जे पे से गिर के खत्म हो गई। अच्छा, मरी मराई संग देव करी। आज सोचा है इंद्रपुरी में गजमोतनी ने, अगर मनसुख ने अपने हाथ से अपने बेटा के शीश काट के देवी के नीचे चढ़ा गया तो मामला अधूरा रह जाएगा। स्वर्ग से मंदिर में आई है सगा गा 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 गा, नीचे खम्भ की ओट में टाड़ी है गई। और एक बात बताऊं, क्या मनसुख तलवार को लेकर के वीरासन से बैठा है, पीछे को खम्भ की ओट में खड़ी होकर मोतनी ने एक बोल मार दियो। कैसे? और बैयरवानी की जवान तलवार की धार से पैनी होती है, ठीक। औरत की बोली जैसे राइफल की गोली, मानो छाती में गोली ठोक दी, बाहर निकल जाए। दोस्तों पीछे को ठाड़ी है के मनसुख की एक तीर मार दियो। कैसे मारो? एक बोल मार दियो। क्या मारो? एक धोख मार दियो। अच्छा, यो कह रही है बारे मासी बोल दो। बिल्कुल, क्या कह रही है? क्या कह रही है? हरे आज तू आहा, आज तू मेरी क्यों न माने, और इन हाथन ते देवरिया तेने मार दिए दाने। अरे मनसुख, तेने इन हाथन से बड़े बड़े दाने मार दिए, देख के छाती मेरी फटे, तेने दाने दीने मार आज ना सुत को शीश कटे। अरे तेने बड़े बड़े दाने इनके मुंड काट के फेंक दिया, आज चिंखला को शीश ना कट रो तो पे। एक बात ऐसी कह दी जो छाती फाड़ के पार निकल। वो क्या कह दी? न्यो कह दी, बताइयो। हरे कहे नोर दान की जाई, और तेरी पोत को सास मेरी ने देखो कहा माटी खाई, तेरी पोत को सास कहे न्यो दाने की जाई, तेरी पोत को सास मेरी ने कहा माटी खाई। अरे माटी खाए के पैदा करो, जे जापे में मेरी सास घी खाए के पैदा करती तो दा मंदर फाड़ दे तो, या चीखला को मुंड ना कट रहे हो। क्या हुआ? इतनी बात को जब सुना है क्या हुआ है बताइए। अरे बोली है गई आरंपार, और इतने बोल झिले ना मोती न के, हरे बेटा की उड़ाए दहिले भैया। मेरे दोस्तों, इधर मनसुख ने अपने बेटे का शीश काट करके देवी के चढ़ा दिया। क्या करें यार लोगों, कैसे दो में प्रोग्राम किया जाता है, कथा की गर्दन काटनी पड़ती है, क्या करें। देखो भेंट चढ़ाया है मनसुख गुजर तो अपने यार प्रजापत के यहाँ आ गया। उधर देवी मैया ने लांगुर के द्वारा वास्तविक राजा के नाग लोक से यहाँ से अमृत मंगवा कर रूपचंद को जीवित किया है। सवेरे ढोल कुमार और किशन लाल को अच्छा राजा नल मनसुख के अर्पण कर दिया है, चंपा चंदन जादूगरनी इनके पास से मंगाए के। नल के मिल गए कुमार मिले हंसन के जोड़ा, ऊंट सरबती सजे सजे जाके अवलख घोड़ा, राजा नल के कुमार रूप में बड़े विशाला, सिर पे है मंडील गले में रतनन की माला आई। भैया मेरी सुन लो ध्यान लगाई, और क्या? अब हम दैया देखो कथा सुनाई, दिल की मिट गई वह सुन भैया को, राम राम बोलो यटला छतवारे की।